नवनिर्मित भव्य सैन समाज चौपाल का सांसद मनोज तिवारी और विधायक अजय मावर ने लोकार्पण किया। घोंडा विधानसभा विधायक व मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा अजय मावर की अध्यक्षता में सांसद मनोज तिवारी व जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने गामड़ी भजनपुरा में नवनिर्मित सैन समाज चौपाल का लोकार्पण किया। सैन समाज की इस चौपाल का 3 मंजिला निर्माण के साथ दीवारों पर टाइल्स व फर्श पर पत्थर लगाने का सुंदर कार्य किया गया। साथ ही चौपाल को हवादार व प्रकाश युक्त बनाने हेतु पर्याप्त खिड़कियां, पंखे व लाइटों का भी ध्यान रखा गया। सैन समाज के लोगों व स्थानीय निवासियों ने सांसद मनोज तिवारी व विधायक अजय मावर सहित जिला अध्यक्ष मोहन गोयल का गर्मजोशी से स्वागत किया व शॉल पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। सांसद मनोज तिवारी ने इस अवसर पर सैन समाज व गामड़ी के स्थानीय निवासियों को चौपाल समर्पित करते हुए उनका धन्यवाद किया और यह चौपाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति के काम आए ऐसा संस्था वालों से आग्रह भी किया गया। विधायक अजय मावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को साकार करते हुए हमारे सैन समाज के इस चौपाल में पूरे सैन समाज की भावनाएँ जुड़ी हैं, इसलिए पूरे समाज की जरूरतों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस चौपाल का भव्य निर्माण किया गया है। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और घोंडा विधायक अजय मावर का, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज अपने लिए कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम बनाता है और उसको हम लोग अपने अपने हिसाब से पूरा करते हैं, जिसको हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं। सभी के लिए ऐसी धर्मशाला की उम्मीद होती है और मैं आज अजय महावर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस सेन समाज के लिए बने धर्मशाला का हम लोकार्पण कर रहे हैं। जितनी बातें प्रमुख हैं वो अजय ने आपको बताई है। हमारी कोशिश है कि हर सोसाइटी के लिए हम ऐसी खुशियों का कारण बने और ये डबल इंजन का कमाल है। यहाँ पे सांसद भी भाजपा के हैं, यहाँ विधायक भी भाजपा के हैं, तो इसलिए हमें लोगों की उन अपेक्षाओं को पूरा करने में आसानी रहती है जिनसे उनको खुशी मिलती। ये बहुत प्रतिष्ठित थी, बहुत दिन से प्रतिष्ठित था और लगभग 95 लाख की लागत से ये सैन समाज की चौपाल बनाई गई है। सैन समाज की जमीन पर जो बहुत दिन से ऐसी थी और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के मार्गदर्शन में ये सारा निर्माण कार्य हुआ है। 3 मंजिलें ये इमारत बनी है और तीनों में अभी हॉल बना है। जैसा जैसा सैन समाज की कमेटी ने, आदरणीय दीवान सिंह जी हमारे प्रधान यहाँ पर हैं, देवेंद्र जी महासचिव हैं, इन सब के इच्छा के अनुरूप इस भवन का निर्माण किया गया है और आज एक निश्चित समय में इसको पूरा करके आदरणीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा आज गामड़ी गांव के भजनपुरा वार्ड में घोंडा विधानसभा के अंदर सैन समाज को एक बड़ा तोहफा आदरणीय मनोज तिवारी द्वारा दिया जा रहा है। समाज इसका उपयोग करेगा और सभी समाजों के ये काम आए और यहाँ पर आगे भी अगर समाज कहेगा तो हम एक मंजिल पर इसकी लाइब्रेरी बनाने को भी तैयार है। समाज जैसा कहेगा उसको करेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9,
मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93 में। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211342 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।